Now we will go to Bernoulli's equations, a new topic which was not there in state board. For JEE is very important. Bernoulli's equations. dy by dx plus py is equal to q into y to the power n. ये y to the power n आ गया, समझ जाना Bernoulli equation है. y to the power n means y square, y cube, y to the power 4, y to the power 5, etc. Right side. Where p and q are functions of x alone or constants. In such case, क्या करते हैं लोग? We divide the total equation by y to the power n. So we get 1 upon y to the power n into dy by dx plus p upon y to the power n minus 1 आएगा. यहाँ पे क्या होगा? y to the power n minus 1 आएगा. एक पावर कम होगा. y to the power n है तो यहाँ y to the power n minus. यहाँ मान लो 1 upon y to the power 4 है. तो यहाँ क्या आएगा? 1 upon y cube आएगा. Clear? Clear concept? यहाँ 1 upon y to the power 5 होगा. तो यहाँ कितना आएगा? p upon y to the power 4. Very good. यहाँ y 1 upon y cube आया. तो यहाँ कितना आएगा? 1 upon y square आएगा. क्योंकि 1 upon y square के derivative में y to 1 upon y cube आता है. ये रूल है. सो इसका पावर x से कम यहाँ पे आएगा, इज इक्वल टू q रहेगा. देन इन सच केस पुट 1 upon y to the power n minus 1 इज इक्वल टू v. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 1 upon y to the power n minus 1 इज इक्वल टू v. सिंपल फॉर्म में फिर कन्वर्ट होता है. एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 28. सॉल्व द डी x square y माइनस एक्स क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई टू द पावर फोर इंटू कॉस एक्स. इट्स अ क्लासिकल केस ऑफ बर्नौली इक्वेशन. वाई टू द पावर एन इज नथिंग बट वाई टू द पावर फोर, जिसको मैंने सर्कल किया हुआ. हाँ, तो पहले तो क्या करना चाहिए कि डी वाई बाई डी एक्स टू पॉजिटिव चाहिए, लेकिन यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स निगेटिव. तो पहला काम क्या किया आपने? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस वन. तो ये हो गया एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई टू द पावर फोर इंटू कॉस एक्स. अब पता चल गया ये बर्नौली है करके. अब ये बर्नौली है तो क्या करते हैं अपन लोग? डिवाइड बोथ साइड्स बाय वाई टू द पावर फोर. वेरी गुड. डिवाइड फर्स्ट. हाँ, अभी पहले और एक बार इस फॉर्म में लाने के लिए, इस फॉर्म में लाना है तो पहले किससे डिवाइड करूँगा? एक्स क्यूब से. वो तो अपना रूल ही है, एल डी का रूल है. सो पहले डिवाइड किया एक्स क्यूब से, तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई टू द पावर फोर अपॉन इंटू कॉस एक्स अपॉन एक्स क्यूब. ये कैंसिल होके माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई टू द पावर फोर इंटू कॉस एक्स अपॉन एक्स क्यूब. अब ये फॉर्म में आ गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यूब. ये लाने के लिए क्यू इंटू वाई टू द पावर एन, वो फॉर्म में आएगा क्यू इंटू वाई टू द पावर एन. अब देखो इक्वेशन वन और ये कंपेयर करो, वहाँ का इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस वन बाई एक्स इंटू वाई यानी पी वाई इज इक्वल टू क्यू. क्यू कौन रहेगा? कॉस एक्स अपॉन एक्स क्यूब इंटू कौन है? वाई टू द पावर फोर. डिवाइड नाउ बोथ साइड्स बाय वाई टू द पावर फोर. वी गेट वन अपॉन वाई टू द पावर फोर इंटू डी वाई बाई डी एक्स y y cancel, 1 upon x into y cube is equal to ये cancel minus cos x upon x cube. Now as per rule I should put 1 upon y cube is equal to v, correct है? यहाँ देखो put 1 upon y to the power n minus 1 is equal to v, यानी I should put 1 upon y cube is equal to v, that is y to the power minus 3 is equal to v. Differentiate both sides with respect to x. Minus 3 into y to the power minus 4 into dy by dx is equal to dv by dx. So 1 upon y to the power 4 into dy by dx जो मेरे को चाहिए. 1 upon y to the power 4 into dy by dx is minus 1 by 3 into dv by dx. ये उधर चला गया. And therefore equation 1 becomes minus 1 by 3 dv by dx. माइनस वन बाय एक्स अलग से. व्हाट इज वन अपॉन वाई क्यूब? वी. वन अपॉन वी नहीं है, याद रखो वन अपॉन वाई क्यूब इज वी. सो ये आएगा माइनस ऑफ वन बाय एक्स इंटू वी इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स क्यूब. बट आई वॉन्ट लीनियर. नाउ ये लीनियर किस में है? किस में है लीनियर? इन वी. हो गया चेंज. अभी
वेरिएबल्स x और y की जगह काय में आ गए, x और v में आ गए, और ये लीनियर इन v है, लीनियर इन x तो हो ही नहीं सकता, तो लीनियर इन v है, तो इसको मेरे को dv by dx के फॉर्म में लाना पड़ेगा, करेक्ट है, जिसमें लीनियर वो ऊपर आता है, dv by dx फॉर्म में लाया, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय माइनस 3, तो ये हो गया dv by dx प्लस 3 by x into v is equal to 3 cos x upon x cube, सारे माइनस साइन कैंसिल हो गए, now it is of the form dv by dx plus pv is equal to q where p is 3 upon x and q is this term. Now LD अब जाके 12th standard में convert हुआ इतना छुड़ाने के बाद classic Bernoulli equation. Now it's as good as a 12th standard example. So we will find integrating factor is equal to e to the power integration of p dx, e to the power integration of 3 by x dx, 3 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x, log x, इंटीग्रेशन ऑफ 3 e टू द पावर 3 log x, e टू द पावर 3 log x, ये और log कैंसिल होता है क्या, नहीं होता, क्यों नहीं होता, बीच में कौन है 3, 3 को क्या करो ऊपर भेजो, e टू द पावर log ऑफ x क्यूब, e और log आपस में कैंसिल, बचा कौन x क्यूब, which is nothing but integrating factor, x cube is the integrating factor. Now the solution of the D is V into IF is equal to integration of Q into IF dx plus C. फिर से एक बार रिपीट करो मेरे साथ, V into IF is equal to integration of Q into IF dx plus C. V into IF is equal to integration of Q into IF dx plus C. तो ये हो गया V into x cube integrating factor is equal to integration of 3 into cos x upon x cube into dx plus c. So vx cube is equal to 3 bar integration of cos x dx plus c. What is integration of cos x? Sin x. 3 sin x plus c. V की वैल्यू डाल दो, 1 upon y cube into x cube is equal to 3 sin x plus c. This is the answer. Even you may write x cube into y to the power minus 3 is equal to 3 sin x plus c is the final answer. Differential equation JEE example number 29 of our module Cengage. Solve dy by dx plus x into sin of 2y is equal to x cube cos square y. X cube है, यानी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा टाइप अलग है, तो अपन क्या करेंगे, cos square y से डिवाइड करेंगे पहले, तो इसको लिखूंगा dy by dx plus x into sin 2y, क्या लिखूंगा 2 sin y into cos y, and then I will divide by cos square y, क्योंकि यहां मुझे x cube अलग से चाहिए, y नहीं चाहिए, क्लियर हो गया अभी. सो ये होगा 1 upon cos square y into dy by dx plus x into 2 sin y into cos y upon cos square y, और यहां बचेगा सिर्फ x cube, ये आपस पे कैंसिल हो गया, राइट. व्हाट इज 1 upon cos square y, x square y into dy by dx plus 2x into sin y upon cos y into tan y is equal to x cube. अभी खतरा क्या है, आई कैन नॉट डिवाइड बाय सिक्स स्क्वायर वाई, इफ आई डिवाइड बाय सिक्स स्क्वायर वाई अगेन विल गो बैक टू द बेसिक, वही फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन सिक्स स्क्वायर वाई एंड कॉस स्क्वायर वाई, दैट मींस आई हैव टू डू समथिंग, वेरिएबल चेंज ऐसा करूंगा कि दिस बिकम्स मे बी dz बाय dx. अब ये dz बाय dx कब होगा, इफ आई पुट tan y इज इक्वल टू z, आई रिपीट, आई पुट tan y इज इक्वल टू z, और यहां भी tan y है. So, देखो क्या भयंकर प्रॉब्लम आ गया, JEE एग्जाम में आपको स्ट्राइक होना चाहिए, dy by dx के साथ कौन है, sec square y, किसका डेरिवेटिव है, tan y, तो पुट tan y is equal to z, so that sec square y into dy by dx is equal to dz by dx. Therefore, the given equation becomes dz by dx plus twice x into z is equal to x cube. Now, this is linear in z, इसलिए dz ऊपर आएगा, अगर ये linear in x होता तो dx by dz करना पड़ता था अपने को. So ये हो गया linear, which is linear in z, okay, which is linear in z. अब ये इसका मतलब z का जो coefficient है वो p रहेगा, which is a function of x only, ये q रहेगा, which is also a function of x only और constant, हो गया, तो z का कोएफिशिएंट 2x इज p, राइट साइड इज q.
सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया था, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, पी आने कौन, पी आने कौन, इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स डीएक्स, टू इंटीग्रेशन साइन के बाहर, तो टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर बाय टू, टू टू कैंसिल, तो बचा कौन, e टू द पावर एक्स स्क्वायर, दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या है, e टू द पावर एक्स स्क्वायर. Therefore, the solution is given by z into if, क्योंकि ये function कैसा है, linear in z, z into if is equal to integration of q into if dx plus c. अब z कौन है, z sorry, if कौन है, e to the power x square, तो यह आएगा z into e to the power x square is equal to integration of x cube into e to the power x square dx plus c. अब इसको लिखूंगा z into e to the power x square is equal to, अब भूल क्या होता है अपना, e का पावर x छोड़ के कुछ भी रहा तो उसको t पकड़ने का, यानी किसको t पकड़ूंगा मैं, x square को, what is the root of x square, 2x, यानी मेरे को x चाहिए, तो x cube को तोड़ूंगा और लिखूंगा x square into x, see, x square into x becomes x cube. Now I put x square is equal to t, twice x dx is equal to dt, x dx is equal to dt upon 2. So this becomes z into e to the power x square y c रहेगा, integration of x square कौन है, t, e to the power t into dt by 2, 1 by 2 बाहर आ गया, integration of t into e to the power t dt plus c, यह है type 10a, इसका x into e to the power x का direct answer, I repeat, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स वाई सी, एक्स भी वाई सी है, एक्स का क्वेश्चन प्लस है तो उसके बाद माइनस आएगा, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स, वन, तो एक्स माइनस वन प्लस डायरेक्ट आंसर, अदरवाइज आप इसको यू और वी पकड़ के लाइट यू लगा के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हो, एल आई ए TE exponential, ये first function, ये second function, तो 1 by 2 into e to the power t in bracket t minus 1 plus c, directly apply करो, otherwise जिनको याद नहीं है वो light लगा के integration by parts से छुड़ा सकते हो, now t आने कौन है x square, तो 1 by 2 into e to the power x square in bracket x square minus 1 plus c, and therefore z कौन हो गया, tan y, देखो z कौन है, tan y, so tan y into e to the power x square is equal to 1 by 2 into e to the power x square in bracket x square minus 1 plus c is the answer. Some important differential coefficients, pahla x dy plus y dx is equal to d of x into y, actually this is just a product rule of derivative, kya hai iska, x into dy plus y into dx, wahi to product rule of derivative. तो क्या है, डी ऑफ एक्स वाई क्या आएगा आज के बाद, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, कॉन्वर्सली एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स बिकम्स डी ऑफ एक्स वाई. अब इसका यूज कैसा है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स वाई बचेगा, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे. सो आई होप दिस क्लियर, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज नथिंग बट डी ऑफ एक्स इंटू वाई. सेकेंड कैसा रहता, डी ऑफ वाई बाय एक्स कैसा आएगा, पहले लाइट कैमरा एक्शन जूम, माय नेम इज खान कबर खान, तो यह आएगा एक्स इंटू डी वाई, एक्स इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स अपॉन डिनोमीटर का होल स्क्वायर. आई रिपीट, एक्स इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी ऑफ वाई बाय एक्स. अब नीचे में एक्स स्क्वायर आएगा तो नीचे यहां एक्स आएगा, नीचे में वाई स्क्वायर आएगा तो नीचे क्या आएगा, वाई आएगा, और बीच में क्या होना चाहिए, प्लस. तो देखो, what is d of x upon y, y into dx minus x into dy upon y square is d of x upon y. ये तो very important formula याद रखो. So याद कैसे रखना, नीचे में x square आएगा तो d of y by x, उसके लिए formula फिर से देखो, x into dy minus y into dx upon x square is equal to d of y by x. उल्टा जाओ, x into dy minus y into dx upon x square, correct है, ये correct है. नीचे में y स्क्वायर आ गया तो यहाँ क्या लिखना है, d ऑफ x अपॉन y, यानी y इंटू डी एक्स माइनस x इंटू डी वाई अपॉन y स्क्वायर इज d ऑफ x अपॉन y.
अब नीचे में एक्स वाई आ गया तो समझ जाओ ना लॉग ऑफ एक्स वाई आने वाला आंसर वाई. व्हाट इज रूट ऑफ लॉग ऑफ एक्स वाई? वन अपॉन एक्स वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई, यानी वन अपॉन एक्स वाई इंटू डी ऑफ एक्स इंटू वाई एंड डी ऑफ एक्स इंटू वाई यानी एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स. देखो सो ये भी जम गया अपने को हर एक को. तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई आ गया तो डी ऑफ एक्स वाई लॉग यानी एल एन नेचुरल लॉग एल एन एक्स वाई. अब वही पीछे माइनस आ गया तो यह आएगा डी ऑफ लॉग ऑफ वाई बाई एक्स, यानी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई यानी डी ऑफ लॉग ऑफ वाई अपॉन एक्स वाई अपॉन एक्स. अगर एक्स अपॉन वाई का बात आए तो पहली टर्म वाई डी एक्स होती तो फिर माइनस आता तो, लेकिन पहली टर्म कौन है एक्स डी वाई यानी ये एक्स और ये डी वाई. क्वेश्चन रूल. सो फिफ्थ हो गया. अभी नीचे में एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर आ गया तो समझ जाना टैन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स आएगा. व्हाट इज एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर? तो एक्स डी वाई यानी नीचे में एक्स आएगा तो इट इज डी ऑफ टैन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स, डी ऑफ टैन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स. एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन जो अभी अपन ने फॉर्मूले पढ़े हुए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स उसके ऊपर एक प्रॉब्लम देखेंगे. एग्जाम्पल नंबर 31 है. सॉल्व द डी एक्स प्लस वाई इंटू आर बाय एक्स एक ब्रैकेट में प्लस साइन वाई दूसरे ब्रैकेट में दोनों को डी एक्स प्लस एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस एक्स कॉस वाई इंटू डी वाई इक्वल टू जीरो. ये बहुत डिफिकल्ट लगते हैं इनिशियली अपने को. तो अपन क्या करेंगे इसमें, पहले देखो एक्स इंटू आर बाय एक्स, एक्स और एक्स आपस में कैंसल प्लस वन इंटू आर बाय एक्स प्लस साइन वाई सबको मिला के बाहर डी एक्स. इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डीवाई लिख सकते हैं. तो यहाँ आपने क्या किया एक्स इंटू आर बाय एक्स अलग किया, वन इंटू आर बाय एक्स अलग किया. अब सारे ब्रैकेट्स ओपन करना चालू करो. अभी तो पहली टर्म आएगी वाई डी एक्स, सेकेंड टर्म आएगी वाई बाय एक्स डी एक्स, थर्ड टर्म आएगी साइन वाई डी एक्स. डी एक्स और डी वाई में केयरफुल रहने. अब आखिरी की तीनों टर्म में डी वाई आने वाला है तो पहला आएगा एक्स से डी वाई, फिर आएगा लॉग एक्स से डी वाई, फिर आएगा एक्स कॉस वाई इंटू डी वाई. डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स की प्रॉब्लम करते करते अपने को आइडिया हो जाती है कि किनको पास में लाना है. एक्स से डी वाई वाई डी एक्स को हरदम पास में लाओ, काम हो जाएगा आपका. तो उसको आगे बढ़ाते हुए ये वाई डी एक्स और ये एक्स से डी वाई पास में लाया अपन ने, तो वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज एज गुड एज एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, यानी ये हो गया डी ऑफ एक्स इंटू वाई. अब ये देखो वाई बाय एक्स इज रिलेटेड विथ ऑलवेज लॉग एक्स के साथ, क्योंकि लॉग एक्स का ड्यू टू कौन है वन बाय एक्स, यानी यहाँ नीचे आ सकता है. तो वाई बाय एक्स डी एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई पास में लाओ, तो वाई बाय एक्स डी एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई पास में लाए. अब ये साइन वाई डी एक्स और एक्स कॉस वाई डी वाई पास में लाओ, साइन वाई डी एक्स प्लस एक्स कॉस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो. हो गया, किसको आपको पास पास में लाना है अपने को क्लियर हो गया. अब दिस ब्रैकेट इज नथिंग बट डी ऑफ एक्स इंटू वाई, दिस ब्रैकेट इज नथिंग बट डी ऑफ वाई इंटू लॉग एक्स, यहां का लॉग एक्स वाई आई टेल यू दिस इज वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स वन बाय एक्स, तो वाई बाय एक्स इंटू डी एक्स हो गया प्लस लॉग एक्स इंटू डी डी वाई ऑफ वाई इज वन, तो लॉग एक्स इंटू डी वाई ये हो गया. क्लियर हो गया. तो इसको ये ब्रैकेट को वाई बाय एक्स डी एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई को क्या लिखना डी ऑफ वाई यहां का लॉग एक्स डी ऑफ वाई लॉग एक्स, क्रॉस चेक करो बराबर ही मिल जाएगा. अब इन दोनों को मिलाया आपने पास में लाया है तो ये कैसा आएगा डी ऑफ आई थिंक एक्स इंटू साइन वाई करेक्ट रहेगा. करेक्ट है देखो डी ऑफ एक्स इंटू साइन वाई बिकॉज इट इज एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन वाई यानी कौन कॉस वाई डी वाई, तो ये होगा एक्स इंटू कॉस वाई डी वाई प्लस साइन वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स एन ए वन, यानी साइन वाई इंटू एक्स बचेगा डी एक्स तो साइन वाई इंटू डी एक्स. आई रिपीट डी ऑफ एक्स इंटू वाई एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन वाई कॉस वाई डी वाई, तो एक्स इंटू कॉस वाई डी वाई प्लस साइन वाई इंटू एक्स यानी डी एक्स, क्योंकि डी एक्स ऑफ एक्स वन होता है तो साइन वाई इंटू डी एक्स, सो साइन वाई डी एक्स प्लस एक्स कॉस वाई डी वाई इज नथिंग बट डी ऑफ एक्स इंटू साइन वाई. अब ये जब गया तो उसका इंटीग्रेट करने से राइट आंसर आएगा
डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया तो क्या बचा, इंटीग्रेटिंग वी गेट x इंटू वाई प्लस वाई लॉग एक्स प्लस एक्स इंटू साइन वाई इक्वल टू जीरो इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जाम्पल नंबर 32 फिट फॉर JEE मेंस एज वेल एज एडवांस, इवन एडवांस के लिए भी आ सकता है। क्वेश्चन है सॉल्व द डी वाई टू द पावर 4dx प्लस 2xy क्यूब dy इज इक्वल टू y dx माइनस x dy अपॉन x क्यूब इंटू y क्यूब। अपन क्या करेंगे इसको, पहले यहां से माइनस साइन कॉमन करूंगा क्योंकि y बाय x अच्छा लगता है, x अपॉन y अच्छा लगता नहीं है, तो इसमें से अपन ने माइनस साइन कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा x dy माइनस y dx, ये इधर आएगा ये उधर चला गया अपॉन x क्यूब इंटू y क्यूब, माइनस साइन कॉमन निकालू। नाउ ये माइनस साइन को लेके इसको इधर लेके आ गए तो बाकी वैसे ही चलने दो, ये माइनस का होगा प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब इज इक्वल टू जीरो। ना आपको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अच्छे से जम रहे हैं। अब एक्स डी वाई है यानी डिनोमिनेटर में एक्स आएगा यानी इट इज डी ऑफ वाई बाय एक्स, लेकिन डी ऑफ वाई बाय एक्स लाना है तो ये आएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर कैसा लाया मैंने, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला निकाल दिया तो बचा कौन एक्स इंटू वाई क्यूब, ये वन अपॉन एक्स इंटू वाई क्यूब अलग लिखा, एक्स स्क्वायर को अलग कर दिया। दिस रिमेन्स द सेम, अब तक कोई चेंज नहीं, योगा वन अपॉन एक्स वाई क्यूब डी ऑफ वाई बाय एक्स हो गया, अभी वाई डी ऑफ वाई बाय एक्स एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज इक्वल टू जीरो। क्लियर, डी ऑफ वाई बाय एक्स हो गया। अब एलसीएम लूंगा मैं तो ये एक्स वाई क्यूब यहां लग जाएगा हर एक टर्म को, तो यह आएगा एक्स इंटू वाई टू द पावर सेवन डी एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर सिक्स डी वाई प्लस डी ऑफ वाई बाय एक्स। अब ये भी किसी का प्रोडक्ट रूल बन सकता था लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ पार्ट इसमें मिसिंग है, तो मिसिंग पार्ट के लिए क्या करो आप, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई से मल्टीप्लाई किया तो एक्स अपॉन वाई इंटू ब्रैकेट दिस टर्म प्लस एक्स अपॉन वाई इंटू दिस टर्म प्लस एक्स अपॉन वाई इंटू डी ऑफ वाई बाय एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर सिक्स एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ये उधर चला गया तो वाई टू द पावर सिक्स से डी एक्स, ये होगा वाई कैंसिल होके वाई टू द पावर फाइव बचेगा टू एक्स क्यू वाई टू द पावर फाइव इंटू डी वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब इसके नीचे क्या लगाया मैंने y by x, अब फर्क देखो only d of y by x को इंटीग्रेट किया तो y by x बचेगा but d of y by x upon y by x किया इंटीग्रेट किया तो log of y by x बचेगा। क्लियर हो गया, इसीलिए x upon y को लिखा y by x, ये एडजस्टमेंट याद रखना। अब x क्यूब है और हाईएस्ट देखो x क्यूब और y to the power 6 का डेरिवेटिव देखो y to the power x into x क्यूब का डेरिवेटिव यानी 3x स्क्वायर, 3 है क्या x स्क्वायर लेकिन 3 नहीं है प्लस x क्यूब इनटू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ y टू द पावर 6 6 y टू द पावर 5 6 है क्या नहीं है, 6 कितना है 2 दैट मींस आई शुड मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3, दिस इज द एडजस्टमेंट फॉर JEE मेंस एज वेल एज एडवांस, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3 वी गेट 3x स्क्वायर इनटू y टू द पावर 6 dx प्लस 6 x क्यूब y टू द पावर 5 dy प्लस 3 टाइम्स d ऑफ y बाय x अपॉन y बाय x। अब ये कैसा है देखो, इसको लिखूंगा y टू द पावर, डायरेक्टली भी लिख सकते हो, इसके बाद आप डायरेक्टली ये स्टेप लिख सकते हो d ऑफ y टू द पावर 6 * x क्यूब लिख सकते हो, बट स्टिल दिस इज y टू द पावर 6 * d ऑफ x क्यूब, व्हाट इज d ऑफ x क्यूब 3x स्क्वायर करेक्ट है प्लस x क्यूब * d ऑफ y टू द पावर 6 व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ y टू द पावर 6 6y to the power 5 करेक्ट है प्लस ये चलने दो। अब y to the power 6 into d of x cube plus x cube into d of y to the power 6 is nothing but d of y to the power 6 into x cube product rule of derivative d of y to the power 6 into x cube product rule of derivative, इसमें कोई चीज मत करो चलने दो। अब सब d की भाषा में आ गए, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ x क्यूब इंटू वाई टू द पावर 6 लिखा, पहले x क्यूब बाद में y टू द पावर 6 प्लस 3 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ y बाय x अपॉन y बाय x
इज इक्वल टू सी हो जाएगा। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपस में कैंसिल हो गया, बचा कौन, एक्स क्यूब इंटू वाई टू द पावर सिक्स प्लस थ्री टाइम्स ये लॉग ऑफ वाई बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है देखो, वन अपॉन वाई बाय एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई बाय एक्स, यानी इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ वाई बाय एक्स आ गया इज इक्वल टू सी आ गया, इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। एग्जाम्पल 34 ऑफ आवर मॉड्यूल, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ y dx minus x dy plus 3xy x square y square into e to the power x cube is equal to 0। अभी देखो कि y dx है minus x dy है, यानी नीचे में क्या चाहिए y square, बिल्कुल सही है, I will divide both sides by y square और यहाँ पे मेरे को y square नहीं चाहिए, करेक्ट है, तो ये हो जाएगा divide both sides by y square y dx minus x dy upon y square प्लस थ्री टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, आई रिपीट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू टू द पावर एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय, आई रिपीट डिवाइडेड बाय, बोलो एग्जांपल नंबर 34 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो और यहां पे आएगा डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। वाई डी एक्स बिकॉज यहां पे एक्स की टर्म है नहीं, यानी वाई की टर्म है नहीं, एवरीथिंग इज इन द टर्म्स ऑफ एक्स, सो now what is y dx minus x dy upon y square, it is a d of x upon y, fully agree, and now this is kya bacha 3x square into e to the power x cube, fully agree, now e ka power x chhod ke kuch bhi raha to usko t pakadte hai, kisko t pakadenge aap, x square cube ko, very good, what is root of x cube 3x square, so what is now derivative of d dx of e to the power x cube e to the power x cube into 3x square, is it not, इसका मतलब ये y square घटा दिया मैंने यहां से तो आपको क्या दिख रहा है अभी देखो x 3x square into e to the power x cube 3x square into e to the power x cube is nothing but derivative of e to the power x cube, so I write d of e to the power x cube, ये तो d of x upon y है सबको पता है, y my name is khan kabar khan y dx minus x dy, I repeat y dx minus x dy plus d of e to the power x cube is equal to 0. Integrating we get integration of d of x upon y plus integration of d of e to the power x cube is equal to c. Integration derivative aapas mein cancel, x upon y plus e to the power x cube is equal to c. Option mein dekho LCM liya honga to idhar cy aa jayega, yahan y lag jayega, ye to itna option sufficient hai, this is the answer. A very simple example 34. Example number 35, you fit for JEE mains maybe. Solve x to the power 5 plus x plus 2x square y into dy plus 3x to the power 4 y minus y dx equal to 0. अब ये देख के पता चलता है ये होमोजीनियस नहीं है, यहाँ x है x to the power 5 है, होमोजीनियस नहीं है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आता नहीं है, वेरिएबल सेपरेट होते नहीं है, यहाँ से क्या कॉमन निकालो, कुछ भी कॉमन निकलता नहीं, y वही रहता है, यहां से भी y कॉमन निकाला तो भी x स्क्वायर बचेगा, बट वेरिएबल सेपरेट होते नहीं है, फिर बचा लीनियर, लीनियर इन x, सर है ना x में, ठीक है भाई, लेकिन यहां कौन है x टू पावर 5 लीनियर नहीं है, लीनियर इन y एक पॉसिबिलिटी थोड़ी सी है, लेकिन ये जिस तरह से प्रॉब्लम बन रहा है y और x सेपरेट होते नहीं है, सो इसको लीनियर इन y भी नहीं कन्वर्ट कर सकते, फिर रोल आता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स, अकेला x दिखा dy दिखा, अकेला y दिखा और dx दिखा, तो अपन लोग क्या करेंगे इसमें से सबको सेपरेट करना चालू करो, तो ये हो गया x टू पावर 5 dy प्लस 2x स्क्वायर y dy प्लस x dy अलग से, ये हो गया प्लस 3x टू पावर 4 y dx माइनस y dx अलग से। अब व्हाट आई विल डू, I will try x to the power 5 dy plus x to the power 5 का derivative कौन है, x to the power 4, correct है, तो ये x to the power 4 को पास में लाया मैंने, तो ये term और ये term को पास में लाया, x to the power 5 dy plus 3x square x to the power 4 y dx plus 2x square y dy अलग से रखा, क्योंकि इसमें अगर मैंने x square से divide किया तो 2y dy बचता है और 2y dy यानी d of y square आता है, एक एक कम होना चालू हो गया,
प्लस x से dy माइनस y dx इज इक्वल टू जीरो। अब x से dy है, x है तो नीचे में क्या चाहिए मेरे को, x पर चाहिए। तो मेरे को दो तीन चीजों से पता चला कि क्या करना चाहिए। नाउ आई विल डिवाइड थ्रू आउट बाय x स्क्वायर। तो पहली टर्म में बचा x क्यूब dy, यहां x स्क्वायर से डिवाइड किया 3x स्क्वायर y dx एक ब्रैकेट में डाला, यहां x स्क्वायर से डिवाइड किया ट्वाइस y dy बचा, और यहां x स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ये d ऑफ y बाय x हो जाता है इज इक्वल टू जीरो। नाउ x cube into dy and it is d of x cube y, x cube into derivative of y plus y into derivative of x cube. What is derivative of x cube? 3x square. Yani this bracket is nothing but d of x cube y. Aur jaise maine abhi bataya tha, what is 2y into dy? It is a d of y square. Aur ye ho gaya d of only y by x. क्योंकि d of y by x क्या है, फॉर्मूला लिख के दिए है आपको मैंने, x से dy minus y dx divided by x square is equal to 0. Now if I integrate, derivative or integration आपस में cancel, x cube y plus y square plus y by x is equal to c. LCM लेंगे तो ये हो जाएगा x to power 4y plus x y square plus y इधर ही रहेगा, और LCM लेने के बाद यहाँ डिनोमिनेटर में जो x आएगा वो इधर चला गया तो आएगा सी एक्स। किताब में आंसर रॉन्ग है, अपना आंसर करेक्ट है इज इक्वल टू सी एक्स। एग्जाम्पल नंबर 40 ऑफ आवर मॉड्यूल फिट फॉर जेड एलिमेंट्स। 2 मिनट्स में अपने को छुड़ाना है प्रॉब्लम। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। पासिंग थ्रू द ओरिजिन बोला तो समझ जाना कि खतरा शुरू हो जाता है। एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए। इफ द मिडल पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ऑफ इट्स नॉर्मल फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द कर्व टू द एक्स एक्सिस लाइज ऑन द पैराबोला वर टू आई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। टू आई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी एक्स कॉमा वाई। ओके आई रिपीट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी एक्स कॉमा वाई इज y capital y minus y is equal to what is slope of tangent at pxy dy by dx. What is slope of normal? Minus 1 upon dy by dx. इसको वैसे निकाल लेते कर्व को अपन। Okay, now what is slope of tangent at px comma y dy by dx? So what will be slope of normal? Slope is equal to minus of 1 upon dy by dx because tangent and normal are perpendicular to each other. तो equation of normal at px comma y, यानी ये normal है, this line is normal to this curve, correct है? तो इसका slope कैसा रहेगा? minus 1 upon dy by dx. तो equation क्या आएगा? capital y minus small y is equal to slope, यानी m, यानी minus 1 upon dy by dx in bracket capital x minus x. अब ये dy by dx को इधर लेके गए, y minus y into dy by dx is equal to minus in bracket x minus x, correct है? ये normal का equation है। अब ये कहाँ intersect कर रही है? x axis को, यानी क्या find करना है? Very good, x intercept. To find x intercept, put capital Y is equal to 0 in the equation of the normal. Put y is equal to 0, we get 0 minus small y dy by dx is equal to minus capital X plus x. और यहां से आपको कैपिटल एक्स की वैल्यू चाहिए एक्स इंटरसेप्ट, यानी देयरफॉर कैपिटल एक्स उधर लेके गया तो ये होता है एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, यानी नॉर्मल जो है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी जहां पे उसका एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट कौन रहेगा? जीरो। देयरफॉर कैपिटल ए इज इक्वल टू एक्स इंटरसेप्ट यानी एक्स प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स कॉमा जीरो। Now I know the coordinates of point P, I know the coordinates of point A. अब वो क्या बोल रहे हैं? Segment AP का mid point lies on the parabola 2y square is equal to x. यानी I should find the coordinates of the point M, which is the mid point of AP. I know A, I know P. Mid point formula x1 plus x2 upon 2 comma y1 plus y2 upon 2. So M के coordinates आएंगे x plus
x plus y divided by dx upon 2, comma y plus 0.2. y plus 0.2. So this is 2x plus y divided by dx upon 2, comma y by 2. This point M lies on the curve 2y square is equal to x. This point M lies on the curve 2y square is equal to x. यानी M के coordinates इस पैराबोला को भी सेटिस्फाई करेंगे. M के coordinates इस पैराबोला को सेटिस्फाई करेंगे. यानी जहां x है वहां पॉइंट M का x कोऑर्डिनेट और जहां y है पॉइंट M का y कोऑर्डिनेट पुट करूंगा तो क्या हो बचा 2 इंटू वाई स्क्वायर यानी कौन y बाय 2 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू x. x यानी कौन x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M यानी 2x plus y divided by dx upon 2. अब ये तो हो गया 2 इंटू वाई स्क्वायर बाय 4 आएगा करेक्ट है. तो यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल होगा और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा. तो बचेगा कौन y square is equal to 2x plus y into divided by dx बचेगा. अब खतरा शुरू हो गया. ये मुझे लगा था इट इज लीनियर इन x. अगर लीनियर इन x है तो यहाँ dx by dy चाहिए. y में तो लीनियर है ही नहीं, यानी ना ही लीनियर इन x मिलता है ना लीनियर इन y मिलता. लेकिन मुझे दिखा एक y square है और y divided by dx है तो I will put y square is equal to t. कल के प्रॉब्लम में put y by x is equal to t किया था, आज करेंगे put y square is equal to t. y square is equal to t put किया, differentiate किया, 2y into dy by dx is equal to dt by dx and I want only y divided by dx. Therefore y divided by dx is equal to 1 by 2 into dt by dx and therefore this equation becomes y square yane kon t. T is equal to 2x plus 1 by 2 into dt by dx. 2 से मल्टीप्लाई किया तो dt by dx plus 4x is equal to twice t. अब ये dt by dx में t ऊपर है तो it has to be linear in t. See, this is linear in x as well as in t. लेकिन अगर ये dx by dt होता तो x linear in x लेता था. लेकिन t ऊपर है dt by dx है तो यहां मुझे t चाहिए. तो मैंने क्या किया ट्वाइस t को इधर लेके आया, माइनस 4x को उधर भगा दिया. तो ये हो गया dt by dx, ये ऊपर तो ये ऊपर. याद है आपको dy by dx plus py is equal to q. dy by dx plus py, dy है तो py, dx by dy होता तो px. ये जिसको समझ गया JEE के हाई लेवल के प्रॉब्लम जम जाएगी उसको. सो dt by dx है दैट मींस इट इज अ लीनियर इन t चाहिए तो ट्वाइस t को इधर लाया, 4x को उधर लेके गया. ना इसमें p कौन है माइनस 2, q कौन है माइनस 4x. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx. सो ये हो गया if is equal to integrate e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 2 dx. दिस इज नथिंग बट e टू द पावर माइनस 2x. ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर. अब दिस इज लीनियर इन टी है तो आंसर आएगा टी इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी. करेक्ट है, टी इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी. दैट इज टी इंटू ई टू द पावर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 4x ई टू द पावर माइनस 2x dx. कवर हो रहा है, इंटीग्रेशन में आ गया अपन धीरे धीरे. माइनस 4 बाहर निकाला, x into e to the power minus 2x, ये u है ये v है. L I algebraic, L I A T E exponential last. अब इसको लाइट टू लगाया, प्रोडक्ट टू लगाया, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस 2x यानी e टू द पावर माइनस 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e टू द पावर माइनस 2x अपॉन माइनस 2 इंटू डी एक्स प्लस सी. माइनस 4 चलने दो, ये हो गया x इंटू e टू द पावर माइनस 2x अपॉन 2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1 बाय 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस 2x डी एक्स प्लस सी. माइनस 4 चलने दो, x इंटू e टू द पावर माइनस 2x अपॉन 2 चलने दो, 1 बाय 2 रहने दो. ऐसे व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस 2x, इट इज e टू द पावर माइनस 2x अपॉन माइनस 2 अगेन. फिर से माइनस 4 चलने दो, वेरी स्टेप बाय स्टेप. अब क्लियर हो गया x इंटू ई टू द पावर माइनस 2x अपॉन 2, फिर ये प्लस का हो गया माइनस,
e टू द पावर माइनस टू एक्स अपॉन फोर प्लस सी। अब पहली बार अभी माइनस फोर को अंदर में ढकेल दो तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, यहां बचेगा ट्वाइस एक्स e टू द पावर माइनस टू एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, फोर कैंसिल हो गया, बचा कौन e टू द पावर माइनस टू एक्स प्लस सी बचा। दोनों में कॉमन निकालना, ये तो अपने को 12th स्टैंडर्ड से आदत है, e टू द पावर माइनस टू एक्स कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचता है 2x प्लस 1, ब्रैकेट के बाहर सी देखो, e टू द पावर माइनस टू एक्स कॉमन निकालो, 2x प्लस 1 ब्रैकेट के बाहर प्लस सी, इधर भी टी है। नाउ आई डिवाइड बोथ साइड बाय e टू द पावर माइनस टू एक्स, ये भी आपको याद होगा, तो इधर बचेगा टी, इधर बचेगा 2x प्लस 1 और सी के नीचे आएगा e टू द पावर माइनस टू एक्स जो ऊपर जाके हो जाएगा e टू द पावर 2x और टी आने कौन है y स्क्वायर, इसलिए ये आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 1 प्लस c इंटू e टू द पावर 2x। आपको इसमें टेंशन नहीं आएगा बिकॉज अपन ने स्टेट बोर्ड में इस टाइप के काफ़ी प्रॉब्लम अपन ने छुड़ाए थे, e टू द पावर माइनस 2x से डिवाइड करने का टेक्निक पता है आप लोगों को। अब ये हो गया जनरल कर्व, जनरल सॉल्यूशन, बट आई वॉन्ट अ पर्टिकुलर कर्व विच पासेस टू द ओरिजिन, आई वॉन्ट अ पर्टिकुलर कर्व विच पासेस टू द ओरिजिन। Now this curve passes to the origin, therefore origin satisfies this curve, put x is equal to 0 and y is equal to 0 in this equation, we get 0 is equal to 0 plus 1 plus c into anything less to 0 is 1, c is equal to minus 1. Put this c is equal to minus 1 in equation 1, we get y square is equal to 2x plus 1 plus c and a con minus 1 e to the power 2x and therefore final answer is y square is equal to 2x plus 1 minus e to the power 2x, 2x plus 1 minus e to the power 2x is the answer.